Good morning, my dear students. I am a science teacher, Miss Narimany Jha. Today we are going to discuss about cell. In this video, we will discuss about cell, discovery of cell and types of cell. Firstly, we will discuss definition of cell. The cell from Latin, जो सेल है जो कि एक लैटिन वर्ड है मीनिंग स्मॉल रूम, इसका मतलब है एक स्मॉल रूम, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इसको जीवन की इकाई भी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आर ऑफ्टन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी अक्सर बोलते हैं, बिकॉज जिस प्रकार से ब्रिक्स जो है ईटे एक एक ईट मिलकर के एक बिल्डिंग का निर्माण करती है, उसी तरह से एक एक सेल मिलकर के हमारा एक बॉडी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, इसलिए हम लोग इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सेल, जो सेल की स्टडी है उसको हम लोग सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी और साइटोलॉजी बोल सकते हैं। जो सेल की स्टडी होती है उसको सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी और साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं। सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल क्या रखता है, साइटोप्लाज्म इंक्लूड विथिन अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से जो इंक्लूड रहता है, विच कंटेन मैनी बायोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड रखते हैं। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, ज्यादातर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल होते हैं, आर ओनली विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के अंडर ही उसको देखा जा सकता है, ज्यादातर प्लांट एंड एनिमल सेल को, विथ डाइमेंशंस बिटवीन 1 एंड 100 माइक्रोमीटर, 1 एंड 100 माइक्रोमीटर के अंदर। ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल सच एज बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर दैट मींस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल सच एज बैक्टीरिया, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल रखते हैं, इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया जिसमें सिंगल सेल होते हैं, और मल्टीसेलुलर दैट मीन्स इंक्लूड्स प्लांट एंड एनिमल, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो मोर देन वन सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर क्लास्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने ज्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इन प्लांट एंड एनिमल्स वेराइज फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज, स्पेसीज टू स्पेसीज ये जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट, ये दर्शाया गया है कि ह्यूमन कंटेन समवेयर 40 ट्रिलियन सेल्स, ह्यूमन जो है वो 40 ट्रिलियन सेल जो है वो रखता है। द ह्यूमन ब्रेन अकाउंट्स फॉर अराउंड 80 बिलियन ऑफ दिस, जहाँ पर 80 बिलियन जो है वो ह्यूमन का ब्रेन जो है वो रखते हैं। आफ्टर डेफिनेशन वी विल डिस्कस डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल्स वेयर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सेल जो है वो डिस्कवर्ड किए रॉबर्ट हुक ने 1665 में, हु नेम देम, जिन्होंने इसको सेल नाम दिया। सेल मींस अ लिटिल रूम, जिसको उन्होंने एक लिटिल रूम नाम दिया। जब उन्होंने देखा कि इसकी संरचना को देखा
तो उनको क्या दिखा है कि एक छोटी सी कोठरी, ए लिटिल रूम के जैसा उनको दिखाई दिया, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। सेल थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड इन 1839। सेल थ्योरी जो था, जो इसके थ्योरी था, वो 1839 को बाय स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन जो थे, स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो एक और एक से अधिक सेल्स जो है वो रखते हैं। दैट सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं, जो पहले से मौजूद सेल्स है उन्हीं से वो आते हैं। सेल्स इमर्ज्ड ऑन अर्थ एट लीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, सेल जो है वो 3.5 अरब साल पहले जो है वो पृथ्वी पर आया है। After discovery, we will discuss cell types. There are two types of cell. कितने तरह के cell होते हैं? There are two types of cell. First, prokaryotic cell. Second, eukaryotic cell. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now prokaryotic cell. Prokaryotic means, इसके वर्ड से हमको पता चल रहा है pro. Pro means primitive. Karyotic means nucleus. ऐसा cell जिसमें primitive nucleus होता है उसको हम लोग prokaryotic cell बोलते हैं। इस तरह के जो सेल होते हैं उसमें तीन तरह के न्यूक्लियस की डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले में सेल जो होता है वो न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है। सेकेंड में न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, रूडिमेंट्री होता है, टूटा फूटा हुआ होता है, और एक होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। तीन तरह के स्टेजेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है। रूडिमेंट्री दैट मीन्स टूटा फूटा, प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन न्यूक्लियस, जो बहुत पुराना टाइप का जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस, और एक अब्सेंट जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं था। प्रोकैरियोटिक्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड आर्की। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया एंड आर्की को रखते हैं। टू ऑफ थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। Prokaryotic cell were the first form of life on earth. Prokaryotic cell जो होते हैं वो first life है पृथ्वी पर, अर्थ पे पहला life है। Characterized by having vital biological process including cell. They are simpler and smaller. ये कैसा होता है, simpler होता है and smaller होता है than eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल से सिंपल और स्मॉलर होता है, मींस छोटा होता है। लैक अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की इसमें कमी होती है। स्पेस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, और अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसकी कमी होती है। द डीएनए ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, जो डीएनए होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल का, consist of a single circular chromosome. क्या रखता है, single circular chromosome, that is single circular chromosome that is in direct contact with the cytoplasm, जो कि cytoplasm के direct contact में, जैसा कि आपको इस figure में दिख रहा होगा, ये जो है DNA है, prokaryotic cell का जो DNA है, ये है आपका
साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है बीच में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। द न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियर रीजन है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ये इसको न्यूक्लियोइड, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड डीएनए। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये इसको हम लोग न्यूक्लियोइड डीएनए बोलते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम 0.5 टू 2 माइक्रोन, कितना होता है इसका साइज जो होता है 0.5 से 2 माइक्रोन होता है। आफ्टर प्रोकैरियोटिक वी विल डिस्कस यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल दैट मींस यू, यू मींस ट्रू, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस, इस टाइप्स के सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट, एनिमल, फंगी एंड स्लीम, मॉल्स, प्रोटोजोआ एंड एल्गी आर ऑल यूकैरियोटिक, ये सभी जो है वो यूकैरियोटिक है। These cells are about 15 times. These cells are about 15 times wider than a typical prokaryotic and can be as much as 1000 times greater in volume. Volume में ये 1000 times जो है उससे बड़े है। अच्छा types का, developed type का है और बहुत चौड़ा जो है 15 times wider. 15 टाइम्स ये वाइडर है प्रोकैरियोटिक से, और जो 1000 टाइम्स ग्रेटर है वॉल्यूम में, इन 1000 टाइम्स ग्रेटर इन वॉल्यूम, कौन है, यूकैरियोटिक, किससे, प्रोकैरियोटिक से। द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक इज कंपार्टमेंटलाइजेशन, the presence of membrane bound organelles, compartments in which specific activities takes place, जो presence होता है membrane bound organelles का, उसके साथ में जो organ, जितने भी इसके organisms होते हैं, organs होते हैं, organ होते हैं, ये जो cell organelles है ये सारे membrane bound organelles होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिल रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमोंग दिस इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमोंग दिस इज अ सेल न्यूक्लियस, एन ऑर्गेनेल्स दैट हाउसेस द सेल डीएनए, दिस न्यूक्लियस गिव्स द यूकैरियोट इट्स नेम व्हिच मींस ट्रू कैरियोन, ट्रू न्यूक्लियस। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमोंग दिस इज अ सेल न्यूक्लियस, ज्यादातर जो है ये यू कैरियोट्स में सेल जो होते हैं सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दिस न्यूक्लियस गिव्स द यू कैरियोट्स इट्स नेम, यू कैरियोट्स को यही न्यूक्लियस जो है नाम देता है, which means true nucleus, जिसका मतलब होता है क्या होता है, true nucleus, nucleus ही इसको नाम देता है। इसके nucleus को देखिए, आप prokaryotic में दिखाए थे कि उसमें कोई भी membrane bond नहीं था, वो direct cytoplasm के contact में आ रहा था, but देखिए इसका जो nucleus है ये membrane bond organelle से membrane से घिरा हुआ है, इस साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। आफ्टर यूकैरियोट्स कंपैरिजन ऑफ फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, अभी तक हम लोग पढ़े कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि कंपैरिजन ऑफ फीचर्स, जितने भी इसके फीचर्स है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के, उसको यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे।
prokaryotic cell or eukaryotic cell. Typical organism, इसमें किस कौन कौन से organism है जो कि इसमें present होते हैं. Prokaryotic में bacteria और archaebacteria. Eukaryotic में protista, fungi, plant, animals. ये सभी जो है eukaryotes में आते हैं. Typical size. Types of nucleus. किस तरह के nucleus इसमें present होते हैं. Prokaryote में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि nucleoid region जो होता है no true nucleus. इसमें कोई भी true nucleus नहीं होता. Pro means primitive. Karyotes means nucleus, primitive nucleus, मतलब इसमें कोई भी true nucleus नहीं होता है. और U means true and karyotes means nucleus. तो true nucleus इसमें present होता है. True nucleus with double membrane. Double membrane के साथ में true nucleus जो होता है वो eukaryotes में वो present होता है. इसमें DNA कैसा होता है? DNA के बारे में कि prokaryote में DNA कैसा होता है, eukaryote में DNA कैसा होता है. Prokaryotes में circular usually और eukaryotes में linear molecules, chromosome जिसको बोलते हैं, with histone protein, साथ ही histone protein भी रहते हैं. RNA और protein synthesis coupled in the cytoplasm. RNA synthesis in the nucleus, protein synthesis in the cytoplasm. Ribosome कैसा होता है इसका? Prokaryotic का ribosome जो होता है, prokaryotes का वो 50S से 30S होता है. और however, eukaryotes जो होते हैं, उसके 60S से 40S होते हैं. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? वेरी फ्यू स्ट्रक्चर्स, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्यू है. हाईली स्ट्रक्चर बाय इंडो मेम्ब्रेन्स एंड साइटोस्केलेटन. सेल मूवमेंट कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक में फ्लेजला मेड ऑफ फ्लेजलिन. फ्लेजला जो है वो फ्लेजलिन बनाता है, उससे प्रोकैरियोट जो होता है वो मूवमेंट करता है. और यूकैरियोट्स में फ्लेजला एंड सीलिया कंटेनिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, अवेलेबल नहीं होता है. और यूकैरियोट से वन टू सेवरल थाउजेंड. क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स में होते हैं? नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं, नहीं होते इसमें. इन एल्गी एंड प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट जो होता है यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, तो एल्गी एंड प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं. एल्गी एंड प्लांट्स जो होते हैं उनके सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट. ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली सिंगल सेल. ये कैसा होता है? मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मतलब यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर कैसा है? तो ये प्रोकैरियोटिक जो है यूजुअली जो है सामान्यतः इसको हम लोग यूनिसेलुलर में ही रख सकते हैं, सिंगल सेल होता है. और यूकैरियोटिक सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं. दैट मीन्स ये बोथ होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों हो सकते हैं. सेल डिवीजन कैसा है? प्रोकैरियोट्स बाइनरी फ्यूजन, सिंपल डिवीजन. इसका फ्यूजन कैसा होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है, सिंपल डिवीजन होता है. और माइटोसिस के द्वारा होता है. यूकैरियोट्स में जो है वो माइटोसिस के द्वारा होता है. फिजन और बडिंग, फिजन और बडिंग के द्वारा मियोसिस. क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सिंगल क्रोमोसोम. प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है.
और यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन कैसे होते हैं प्रोकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।